अभिषेक कहते हैं हेलो मैम, कौन सा इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ करें? हेलो अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टूथब्रश जो इलेक्ट्रिक होते हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो जनरली लोग मेजर मिसिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश एंड जो हमारा मैनुअल टूथब्रश होता है उनमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है और हमें कौन सा चूज करना चाहिए? तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी ओरल हेल्थ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दांत बिल्कुल बहुत अच्छे हैं एंड आप आपको टाइम थोड़ा सा कम मिलता है या फिर एफर्ट कम लगा सकते हैं तो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश बिल्कुल ले सकते हैं। पर अगर आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि मसूड़े दांत को छोड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, या फिर सीवियर जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक टूथब्रश अवॉइड करनी चाहिए और मैनुअल जो हम हाथ से टूथब्रश यूज़ करते हैं वो यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ब्रशेस के बारे में बताने के लिए। उसके बाद आता है कि ब्रश आप जो भी लें उस आपकी ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बहुत सही होनी चाहिए। जब भी हम ब्रश करते हैं इंडिया में स्पेशली, इवन आई हैव सीन मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज वेल, व्हेन दे डू ब्रश दे जस्ट डू इट हॉरिजॉन्टल वे, इवन BTS करने से पहले, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच अफेयर अवेयर रिगार्डिंग ओरल हेल्थ, राइट? तो इवन मैं भी पहले हॉरिजॉन्टल टूथब्रश करती थी। मतलब आज के दिन जब मैं सोचती हूँ कि कैसे मैंने अपने टीथ को इतना हार्म किया, ठीक है। तो ये बात आपको जरूर समझनी पड़ेगी कि आपको हॉरिजॉन्टल कभी भी नहीं करनी होती है, बिकॉज ब्रश का काम हमारा क्या होता है, जो भी हम खाते हैं पीते हैं तो उनके जो फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको हमने रिमूव करना है, हमें दांतों को घिसाना थोड़ी है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, हम दांत को घिसाते हैं और हमारा मानना ऐसा होता है कि दांत को जितना हम घिसाएंगे उतना ही दांत चमकेंगे। तो ये बिल्कुल भी बहुत ही गलत धारणा है जिसके बारे में जिसको फॉलो किया जाता है। तो ब्रश का मतलब आपका होता है कि टूथ पे टीथ सर्फेसिस पे जो भी फूड पार्टिकल है उनको हमें हटाना है। तो कई बार यू डोंट इवन नीड द टूथपेस्ट ऑल्सो। टूथपेस्ट बेसिकली हम फ्रेग्रेंस और टेक्सचर अच्छा करने के लिए करते हैं, ठीक है, और स्मेल ठीक रहे, अच्छी बनी रहे, तो उसके फ्रेग्रेंस सही रहे, इनके लिए करते हैं। इवन अगर आप, क्योंकि ब्रश तो हम दिन में सुबह और शाम को ही करते हैं, अगर आप घर पे हैं दोपहर में और खाना खाते हैं उसके जस्ट आफ्टर आप ब्रश कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कोलगेट या फिर टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल टूथब्रश कीजिए और फूड पार्टिकल जो भी आपके टीथ सर्फेसिस पे हैं उनको रिमूव कीजिए, ओके। और तो टूथ ब्रशिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड और उनके सॉल्यूशन क्या होते हो सकते हैं, इन सभी से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, ऊपर ही आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो ये बहुत अच्छे से बनाई है दैट हाउ टू ब्रश। नाउ बात आती है कि विच इलेक्ट्रिक टूथब्रश यू नीड टू परचेज। देखिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टूथब्रशेज होती है वो रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक टूथब्रश का डेमो भी दिया था ना, ओरल बी, सॉरी, तो ओरल बी की एक टूथब्रश थी वो बहुत अच्छी थी। प्लस कोलगेट का जो ब्रांड है वो आपका रिलायबल है, मतलब यूनिवर्सल है, आपको वहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। तो उनको भी आप वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो परचेज करने के लिए, ठीक है। और इनका ख्याल आपको यही रखना है कि बैटरी चार्जिंग जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे। खरीदते समय आप इन बातों को डिटेल में, जो प्रोडक्ट के नीचे डिटेल्स में लिखा रहता है वहाँ पे आप ये चेक ज़रूर कर सकते हैं कि कौन सी टूथब्रश की कितनी बैटरी लाइफ है, उसमें मोड्स हैं या नहीं, उसका जो हेड होता है ब्रशिंग है, पता है उसका जो हैंडल होता है और उसका ब्रशिंग हेड होता है वो डिटैच भी हो सकता है। जो मैंने ओरल बी का डेमो दिया था उसमें तो हो सकता है, और कोलगेट के भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जहाँ पे यू कैन चेंज द ब्रश हेड। आप ब्रश हेड को ऑर्डर करें जब भी आपका पुराना ब्रश हेड ख़राब हो जाता है या फिर ब्रिसल्स यू नो डिस्पर्स होने लगते हैं, तब आप नया ब्रश हेड लगाते हैं, मंगवाते हैं एंड उसको जस्ट स्टिक इट ऑन। प्लस उनमें डिफरेंट मोड्स आ सकते हैं, यानी कि मीडियम, लाइट, मीडियम एंड हार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं हो रही है ना, उस स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ब्रिसल्स का हेड ज़्यादा मोटा है या फिर ठीक थिक है और ठीक सा लेवल है ताकि वो आपके गम्स के ऊपर भी खराब ना करे। तो ये सभी चीज़ें हैं आपको जो एक अच्छा इलेक्ट्रिक टूथब्रश या फिर मैनुअल टूथब्रश भी परचेज करते समय आपको ये देखना चाहिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।
चुनिए डेंटल एम्पायर एकेडमी को और करे अपने डेंटल एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।